हिंदू धर्म में कार्तिक अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। साल 2024 में संयोग से दीपावली का त्योहार शुक्रवार के दिन 1 नवंबर को मनाया जाएगा। यदि इस दिन अपने परिवार के साथ लाल रंग के वस्त्र पहनकर यदि लक्ष्मी माता के निमित्त उनके मंत्रों से हवन यज्ञ किया जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सुनिए क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री। 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा और उस दिन विशेष बात यह भी है कि इस दिन शुक्रवार का दिन आ रहा है। शुक्रवार का दिन बेहद शुभ होता है क्योंकि वैसे भी जो लक्ष्मी से संबंधित जो हमारा दिन है शुक्रवार, तो उस दिन लक्ष्मी पूजन करना बेहद शुभ होता है क्योंकि हमारा यदि हम लाल वस्त्र पहने जो लक्ष्मी जी को प्रिय है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है और उन्हीं वस्त्रों में बैठ करके हम पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की इस दिन विशेषकर पूजा होती है और दिन में यदि यज्ञ का आयोजन करें और वो और भी लाभप्रद होता है। जैसा कि महालक्ष्मी के जो मंत्रों का जाप यदि किया जाए तो उसका बहुत अधिक महत्व है। लक्ष्मी जी का जैसा कि ये मंत्र है, या श्री सुमेव सुकृत नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदय से बुद्धि श्रद्धा सुताम कुल जनस प्रभस्य लज्जाम ताम ताम लताम तम परिपाल देव विश्वम। ये लक्ष्मी जी का ही मंत्र है और अन्य मंत्रों के द्वारा भी हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, इस प्रकार कई मंत्रों के द्वारा माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, उससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है एवं घर में सुख शांति बनी रहती है।